अच्छा एक बार बताइए, ये आपको प्रोग्राम तो पता है, बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है बताइए एक बार। प्रोग्राम किसी भी, मतलब जैसे कोई भी हम किसी भी चीज को शॉर्ट तरीके से करने का, मतलब कम टाइम पे आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओ। और बेसिकली मैंने प्रोग्राम की आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। प्रोग्राम हाँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। यस सर। में क्या है कि इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि नहीं रहते, रहते हैं। हाँ सर, इंस्ट्रक्शन रहते हैं। ओके, यस तो सर, वी कैन से द प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन। यस सर। ओके, प्रोग्राम इज कई सेट ऑफ कई बार क्या इंस्ट्रक्शन। होता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो यूजर की डिमांड के अकॉर्डिंग या करते करते उसमें क्या है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन रह जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि नहीं हो सकता। यस सर, ऑब्वियसली। हाँ, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, ठीक है। और कई बार क्या ठीक होता है। है कि हमको सपोज लार्ज टास्क मिला, कोई लार्ज टास्क मिला, ठीक है ठीक यस सर, है, तो उसको ना ठीक है। कंप्लीट एक प्रोग्राम में बनाना, ठीक है ठीक ओके। है, कंप्लीट एक प्रोग्राम में बनाना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। और यदि हम किसी एक पर्सन को भी असाइन कर दें, सपोज किसी एक पर्सन को असाइन कर दें टास्क, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए काफी ट्रिकी हो जाएगा, ठीक है, यदि लार्ज टास्क है तो। लार्ज, ओके सर। ठीक है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है, बता रहा है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम मेथड में बाद में आ रहे हैं। सबसे पहले यदि आपने सुना हो मॉड्यूल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मॉड्यूल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं, जो मॉड्यूल आप जानते हो। सर, यही स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट ही होता है, मतलब हाँ, एक और पर्टिकुलर आप, अलग यूनिट हाँ, होती और है। हाँ आपने देखा जी, होगा एवरीडे लाइफ में, आपने सुना होगा मॉड्यूलर किचन, हाँ, मॉड्यूलर किचन मॉड्यूलर सुना किचन, है। हाँ, सेपरेट चीजों को रखने के लिए। हाँ हाँ सर, तो किचन में होता है सर। होता क्या है कि सपोज ऐसे प्लेटफॉर्म के नीचे या कहीं भी, मतलब ठीक है, हम क्या सेक्शंस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ठीक ठीक है। है, जब हम सेक्शन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, अब किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है, एक ही टाइप की, ठीक है, सेम टाइप की, होती है। सेम टाइप के ऑब्जेक्ट या जो भी मटेरियल थिंग या किचन से रिलेटेड वो रखते हैं, चाहे वो आपका यस सर। यूटेंसिल हो, ठीक है, चाहे आपका यस ग्रेन्स सर। वगैरह हो, जो भी हो, ऐसे ही करते हैं, ठीक यस सर। है। तो ये वर्ड मॉड्यूल वहीं से आया, ठीक है। तो मॉड्यूल का मतलब होता है स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, और मॉड्यूलरिटी बेसिस बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस क्या होती है, डिवाइडिंग द लार्ज टास्क और प्रोग्राम इंटू स्मॉल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। स्मॉल इंडिविजुअल ओके। यूनिट क्या होता है कि एक सेपरेट यूनिट जिसमें सेम टाइप की चीजें हैं, ठीक है। तो यस सर। जावा में अच्छा, क्या, मतलब उसको आप सेम टाइप की चीजों में अलग अलग हाँ डिवीजन हाँ करके रख सकते हैं, हाँ है ना? तो वो सेम होगा पूरा टाइम, एक हाँ टास्क हाँ के हाँ लिए। हाँ ठीक है, तो सेम ठीक है। चीजें क्या है, हम प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हमारा जो लार्ज प्रोग्राम होता है, ठीक है, यस सर। लार्ज प्रोग्राम होता है तो उसको छोटे छोटे सब प्रोग्राम में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक ठीक है सर। है। तो जो हम छोटे छोटे सब प्रोग्राम में डिवाइड कर लेते हैं, इनको हम बोलते हैं मेथड, ठीक है। सपोज मेथड। हमने एक मेथड बना लिया, सेकेंड मेथड बना लिया, थर्ड मेथड बना लिया, और बेसिकली मेथड मेथड भी ओबियसली बात क्या रहेगा, इसे ये भी क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, इंस्ट्रक्शन रहेगा, बस एक एक अलग अलग सेट रहेगा। हाँ ठीक है। ठीक है। तो जैसे क्या है, प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है तो वैसे ही मेथड का भी स्ट्रक्चर रहेगा, रहेगा और ऐसा। जैसे प्रोग्राम कॉल होता है वैसे मेथड कॉल होगी, तो बता रहे वो आगे कैसे होता है, ठीक है। अभी ये समझ में आया मेथड होता क्या है, ठीक है। तो मेथड क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। ये भी क्या है कि कोई टास्क परफॉर्म करता है, जैसे प्रोग्राम करता है, ठीक है परफॉर्म हाँ करेंगे। ठीक है। ठीक है। मेथड इन जावा क्या होता है, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है, डिवाइडिंग द लार्ज टास्क और प्रोग्राम इंटू स्मॉल लास्ट टास्क। इंडिविजुअल, हाँ ठीक है। ठीक तो है सर। मेथड में भी हम पर्टिकुलरली क्या लगते हैं, जैसे कोई टास्क को डिवाइड कर लिया तो इसमें भी जैसे प्रोग्राम में कोड करते थे, इसमें भी हम कोड करते हैं, कोड करता हूँ। इसमें भी हम सिंपली कोड करते हैं, इसमें भी कोड करते हैं, ठीक है। बस इसमें एक ठीक प्रोसेस है सर। इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब मेथड बना तो लिए, मेथड में क्या है, एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है, दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। कॉलिंग मेथड, ठीक है, हमने जैसे मेथड बना ली, ठीक है, अलग मेथड बना ली, ठीक है, तो मेथड यस को सर। ना हमको कॉल करना पड़ता है, बाय इट्स नेम। ओके। ठीक है, बाय इट्स ठीक नेम, है आगे सर। बताएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। इसको कॉल ठीक है। करना पड़ता है बाय इट्स नेम, ठीक है। तो देखो इसमें दो ठीक है। प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक क्या है मेथड को क्रिएट करना, ठीक है, अलग और एक मेथड नाम को, देना। हाँ ठीक है, और जो भी नाम देना बताएंगे आगे, और मेथड को कॉल करना। कॉल कहाँ से करते हैं, हम मेन प्रोग्राम से करते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो मेन प्रोग्राम से हम क्या है कि मेथड को कॉल करते हैं और मेथड का जो भी टास्क एंड हुआ, ठीक है, सपोज इसका जो भी टास्क है वो एंड हुआ, तो हम एंड पे आ गए और फिर से हमारे मेन प्रोग्राम पर आ जाते हैं। ठीक है, अब कोई मेथड टू होगी तो वो भी ऐसे कॉल होगी, ठीक है, उसका टास्क एंड हो जाएगा, फिर से हम अपने प्रोग्राम पर लौट जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद टाइप पे डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक है ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल बिल्कुल, ठीक है, ये क्लास है, ठीक है, यस सर, मेन प्रोग्राम है, ठीक है, मेरा क्लास, ठीक है, और ये मेन प्रोग्राम का नेम है, नेम ऑफ प्रोग्राम, ये नेम ऑफ क्लास है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, एक मेथड बनाई, ठीक है, स्टैटिक वॉइड माय मेथड, इन चीजों को मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, अभी इसका सिंटैक्स देख लो, ठीक है, और उसके अंदर मैंने सिंपल एक थोड़ा सा क्या है, एक मैसेज प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन आई एम मेथड, ओके, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, ये हमारा यहां से यहां तक था मेथड, ठीक है, यस सर, ठीक है, यहां मेथड स्टार्ट हुआ, यहां एंड हुआ, ठीक है, अब यहां से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है, हमारा मेन प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट कहां से होता है, जहां हमको मेन मिलता है ना, मेन फंक्शन या मेन मेथड, ये भी अपने आप में मेथड है, ओके, जैसे ये मेथड है ना, ऐसे ही अपने आप में मेन मेथड है, हर प्रोग्राम में एक मेन मेथड जरूर होता है जिसको कॉल करना है, ठीक है, ठीक सर, ये जो लास्ट में लिखा हुआ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड हो जाएगी अपनी, हाँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जहां पर मेन आता है ना, समझ लो वही मेन मेथड है, मेन मेथड है, मेन मेथड मींस होता क्या है, मेन मेथड मींस होता क्या है, हमारा प्रोग्राम कितना ही बड़ा रहे, इसमें बहुत सारी मेथड रहे, ठीक है, बट जो हमारा जब रैम में प्रोग्राम चला जाता है, सपोज हमारी रैम है, ठीक है, ठीक है, रैम में ये प्रोग्राम जब लोड हो गया, ठीक है, ये क्लास मेन हो गई, ठीक है, लोड हो गए, ठीक है, तो जब ये एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, रैम में जो भी प्रोसेस होगी, एग्जीक्यूशन होगा, तो हमेशा ना टास्क कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से होता है, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, सिंपल ये ना माई मेथड नेम से कॉल कर दिया, और ये मैंने पैरेंथेसिस स्टार्ट किया और पैरेंथेसिस एंड किया और सेमी कोलन लगा दिया, माई मेथड से शुरू किया, सर ये क्या माई मेथड से शुरू किया, ये समझ नहीं आ रहा आपको, धीरे समझ में आएगा, ठीक है, अभी तो सिंपल है, अभी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, अभी ओके ओके, ये क्या है कि नेम है, इसमें सर पता नहीं एक मेथड रखी है, लेकिन ऊपर वाले जो एक मेथड रखी है, एक मिनट इसमें क्लियर कर लेता हूं, मेथड रखी है, ठीक है सर, ओके, ठीक है, हमने क्या किया, बस जो हमने मेथड, ये मेथड बना ही है, ये मेथड, ठीक है, ये वाली, उसको नेम दिया, कॉल किया, ठीक है, ये नेम है उसका, इतना यहाँ से यहाँ तक, और नेम से मैंने उसको कॉल कर दिया, ओके, ठीक है, कॉल कर दिया, तो कॉल करने के बाद जो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम का, वो यहाँ जाएगा, इसको जो भी है प्रिंट कर देगा, जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा, वो फिर लौट के वापस ना इसके एंड में आ जाएगा, यहाँ से वापस होके यहाँ एंड में आ जाता है, यहाँ एंड में, ओके, ठीक है, एक बार इसको रन करके दिखा दे रहा हूँ, हाँ सर एक बार, क्योंकि ये जो माय मेथड ऊपर वाला जो कॉल है कि आपने वो लिख के नीचे क्यों है, ठीक है, मैंने इसको रन किया, फिर यस सर, तो मैसेज प्रिंट हो गया, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, आई एम मेथड, ठीक है, ये आई एम मेथड, ठीक है, तो यहाँ से ये प्रिंट हुआ आई एम मेथड, और फिर ये प्रिंट होने के बाद कंट्रोल हमारा यहाँ एंड में चला जाता है मेथड के बाद, ठीक है, ये प्रोग्राम आपको समझ में आया, यस सर, सर ये तो समझ में आया, फिर उसके बाद में, नहीं, आगे और चीज क्लियर होंगी,
कि बाकी में क्या क्या है कि कैसे कॉल करते हैं, ये स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, ठीक है? नहीं नहीं, जैसे ये आई एम मेथड हो गए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट डॉट से, हाँ ये आई एम मेथड रन करने पर, हाँ इससे बाद में इसका ये जो मेन मेन जो प्रोग्राम है उसका क्या रोल है इसमें, ये लास्ट में जो माय मेथड, ये नहीं लास्ट, ये माय मेथड है, यस सर, फिर से बताइए, ये आई एम मेथड सर, स्टैटिक वॉइड माय मेथड, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए मैसेज प्रिंट किया कि आई एम मेथड, मतलब जो मैं जो क्या है कोड, कोड जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो मेथड के अंदर हो रहा है, आपको दिखे, ठीक है, आपको okay, देखे कि ये जो कोड है ना मेथड के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, ये मतलब एक डेमो है, ठीक है? ओके, ठीक है, कि आपको ये ना लगे कि ये यहीं कहीं था, मतलब यहाँ मैंने मेन प्रोग्राम में कुछ नहीं रखा। अच्छा, मेन प्रोग्राम में कुछ नहीं, हाँ हाँ, जो आई एम मेथड प्रिंट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, वो यहाँ से हो रहा है, हाँ हाँ, ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर क्या है, कोई भी मेथड है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक उसका होता है हेडर पार्ट होता है, हेडर पार्ट, ठीक है, और एक उसका होता है बॉडी पार्ट, ठीक है, लिखा भी मैंने मेथड हेडर, ठीक है, ठीक है, तो मेथड हेडर ये फर्स्ट लाइन होती है आपकी, जो भी एक लाइन में डिक्लेयर करते हैं हम जो भी, और बॉडी, बॉडी मींस उसके अंदर हम जो भी कोड रखना चाहते हैं, ठीक है, जो जो बॉडी में जो भी हम क्या कोड रखना चाहते हैं मेथड के अंदर वो यहाँ कोड आ जाता है, ठीक है, जैसे वहाँ लिखा था हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम मेथड, ठीक है, अब देखो बता रहे हैं यहाँ कितनी चीजें, ठीक है, फिर यहाँ देखो आपको देखने को मिलेगा पब्लिक इंट सम, ठीक है, int a int b, ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूँ क्या, ठीक है, जो यहाँ पर आपको देखो पैरेंथेसिस के पहले आपको जो देखने को मिलता है, ठीक है, वो रहता है आपका मेथड नेम, नेम ऑफ मेथड, जैसे इस केस में मैंने लिया था माय मेथड, ये ओके, कॉल किया आपने मेथड को, हाँ हाँ हाँ, इसी नाम से कॉल करेंगे हम सम से, ठीक है, सम से तब भी करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया मेथड का नेम हो गया, ठीक है, अब ये आपका होता है इंट रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है, देखिए दो टाइप की मेथड होती हैं, ठीक है, एक आपका होता है रिटर्न टाइप, आगे भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, रिटर्न टाइप, और एक होता है नॉन रिटर्न टाइप, ये मेथड के टाइप है, हाँ, ठीक है, तो देखो बेसिकली डिफरेंस ये है कि देखो सपोज मैंने क्या है कि मेरा मेन प्रोग्राम ये है, ठीक है, और मैंने कोई मेथड बनाई, ठीक है, तो रिटर्न टाइप ये बताता है कि ठीक है यदि यहाँ रिटर्न टाइप इंट ए है, ठीक है, इंट कुछ भी है, तो ये बताता है कि हमारा जो मेथड है ना, ये मेथड मेथड है, ये मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद ना मेन प्रोग्राम को कुछ रिजल्ट देगा, वापस करेगा, और ये इंट क्या है यहाँ, डेटा टाइप, डेटा टाइप, तो ये बताता है कि कोई वैल्यू ना इंटीजर के फॉर्म में वापस करेगा, अच्छा, ठीक है, और यदि एंटर नहीं, यदि हमको कोई चीज रिटर्न नहीं करना, ठीक है, तो हम सिंपल लिख देते हैं void, सिंपल लिख देते हैं void, अगर हमें कुछ रिटर्न नहीं, रिटर्न नहीं करना, और जब हमें कुछ रिटर्न टाइप वाला चाहिए होगा तो वहां void का यूज नहीं होगा, हाँ void का नहीं, और जिस टाइप की रिटर्न टाइप वैल्यू चाहिए ना, डेटा टाइप चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे इंटीजर जो भी हो, वो लिखना पड़ता है, जो भी हो, ठीक है सर, ठीक है, ये तो हो गया, और आपका फिर आगे बचा, सर ये एक्सेस स्पेसिफायर पैरामीटर लिस्ट है, ये बता रहा हूँ, ठीक है, उसको बारे में बताऊंगा, ठीक है, चलो इसी को बता दे रहा हूँ, एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, ये होता है आपका पब्लिक, ठीक है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट होता है, ठीक है,
तो ये बताता है कि जैसे हमने कोई मेथड डिक्लेयर की है तो ये पब्लिकली अवेलेबल है या प्राइवेट अवेलेबल है, ठीक है। तो ठीक है, अभी थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, इस पर एक अलग से मैं क्लास लूंगा, ठीक है। पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, ठीक है। पब्लिक का मतलब ये होता है कि जो मेथड हमने बनाई है ना, ये पब्लिकली अवेलेबल है, ये आउट ऑफ द क्लास भी अवेलेबल रहेगी, अच्छा ठीक है। और प्राइवेट ये बताता है कि यदि हमने जिस में मतलब क्या है, जिस क्लास के अंदर या मेन बॉडी के अंदर ही हमने ये मेथड बनाई है ना, ये उसी के लिए बस अवेलेबल रहेगी, आउटसाइड द बॉडी अवेलेबल नहीं रहेगी, ठीक है। इसको एक्सेस स्पेसिफायर को ये समझ लीजिए कि परमिशन को चेंज करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर, ठीक है। ये परमिशन को ना, ये एक्सेस मतलब ये एक्सेस को क्या है, चेंज करते हैं, परमिशन को परमिशन देते हैं, ठीक है। ये पब्लिक है कि प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड पब्लिक के लिए कि प्राइवेट, हाँ, इसके इसके बारे में अलग से बनाऊंगा मैं, ठीक है, क्लास लूंगा, ठीक है। अभी इसको बोलना, ठीक है। अभी हम सारी मेथड को पब्लिक लेके चलेंगे, ठीक है, ठीक है। और फिर आपका ये एनटी बी ये बताता है कि जो हमारी जैसे हमने बनाया ये मैन प्रोग्राम और ये हमारी मेथड है, ठीक है। तो ये बताता है कि हम जो प्रोग्राम से मेथड को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई वैल्यू पास करना है कि नहीं करना, कहाँ से, मैन प्रोग्राम से, मैन मेथड से या मैन प्रोग्राम से, तो कोई वैल्यू पास करना है तो एज ए पैरामीटर हम पास कर देते हैं उसका डेटा टाइप के साथ, इंट ए इंट बी। इसका मैं आगे वर्किंग प्रोग्राम बताऊंगा, अभी समझ लीजिए, ठीक है। वर्किंग प्रोग्राम है अभी, हाँ, पैरामीटर पास करना है कि नहीं करना, ठीक है, ठीक है सर, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेथड हेडर खत्म हुआ, ठीक है। फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेथड ना आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है आपकी नॉन स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड वो होती है, वी कैन डायरेक्टली कॉल स्टैटिक मेथड बाय इट्स नेम, जैसे अभी हमने किया था, ये प्रोग्राम हमने डायरेक्टली इसके नाम से इसको कॉल कर लिया था, ओके, ठीक है। और यहां पे लिखा भी हमने स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक, यस सर, ठीक है, स्टैटिक वाइड माई, हाँ, ठीक है। और वी डू नॉट नीड टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट फॉर स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो अभी जो हमने क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हाँ, जो मेथड को कॉल किया तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया नहीं, किया ना, नहीं किया, डायरेक्ट कॉल किया, ठीक है, ये हो गया स्टैटिक वाला, ठीक है। और फिर जो आपकी होती है नॉन स्टैटिक मेथड, वी कैन नॉट डायरेक्टली कॉल स्टैटिक मेथड बाय इट्स नेम, वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो क्या होता है कि जो जावा है वो आपका प्योरली ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं जब आपको क्लास का इंट्रोडक्शन दूंगा, क्लास और ऑब्जेक्ट का, तो वहां पर ये चीज और एक बार और बताऊंगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये होता है कि वहां ना हमको ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, हम क्लास की कोई भी चीज की प्रॉपर्टी एक्सेस करें तो हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ता है, ठीक है। इसको एक बार और बताएंगे, क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, ठीक है। अभी हम इस पर फोकस करते हैं और ये वाला पार्ट हम बाद में बताएंगे, ठीक है, और सेम एग्जांपल के साथ दिखाएंगे, जो एस्टेटिक के साथ दिखाएंगे आपको वो चीजें, ठीक है, ओके सर, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लें मेथड के टाइप्स, तो मेथड आपके दो टाइप की होती है, एक होता है प्री डिफाइंड, एक होता है यूजर डिफाइंड, ठीक है। तो प्री डिफाइंड मेथड ये नाम से ही समझ में आ रहा है, प्री डिफाइंड मतलब ये क्या है, जावा में पहले से डिफाइंड है, ठीक है, ठीक है। तो इनको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड, ये पहले से लाइब्रेरी में अवेलेबल रहती है, और इनको हम बोलते हैं बिल्ट इन मेथड, ये पहले से डिफाइंड, ठीक है। तो देखो अभी इसके पहले मैंने जो आपको स्ट्रिंग पढ़ाया था, अब देखना उसमें, ठीक है। तो वहां पर मैंने जैसे फंक्शन यूज किए थे, लेंथ इक्वल्स टू कंपेयर टू, अब इसके साथ फैमिलियर है, जैसे प्रिंट एलन है, तो जो प्रिंट एलन को हम यूज करते हैं प्री डिफाइंड है, इसको हमने कहीं डिफाइन नहीं किया, ठीक है, ये पहले से डिफाइन, यस सर, पहले से डिफाइन है। तो इसमें कुछ फंक्शंस है जो मतलब जो मेथड है पहले से डिफाइन है, इनको हमने डिफाइन नहीं किया, ठीक है, उनको प्रीडिफाइन, उसको डिफाइन, हाँ। और यूजर डिफाइन क्या होता है कि यदि यूजर चाहे तो उसके नीड के अकॉर्डिंग खुद मेथड को डिफाइन कर सकता है और उनको यूज कर सकता है, और हमारे साथ साथ अदर पीपल भी यूज कर सकते हैं उनको, ठीक है, द मेथड, हाँ। तो जावा का कंसेप्ट, मतलब जावा का मेन आने का कारण यही रहा कि इसमें ना हमेशा ना हर बार कोड, मतलब इसमें कम कोडिंग की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। जैसे हमने मेथड बना दिए ना, तो हम
तो आगे जो व्यक्ति आएगा वो भी मेथड्स को यूज कर सकता है. ओके ठीक है, मतलब जिसको जिस यूजर को जिस चीज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वो चीजें मेथड बना दे. बाकी सर तो फिर वो डिफाइन हो जाती है क्या पहले ही उस समय, मतलब जो भी जैसे हमको कुछ बनाना है तो हमने अगर कोई मेथड डिफाइन की तो वो मतलब स्टोर हो जाएंगी ऐसा है. जैसे क्या है कि देखो जैसे हमने मेथड बनाई है, जैसे अभी बनाई थी ये, एक मिनट, सिंपली मैंने मेथड बनाई, ठीक है ठीक है, तो हम इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, कहीं या पैकेज में कर लेते हैं, पैकेज ही बताएंगे क्या होते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं उनको, ठीक है, ठीक है, हाँ, इनको डिफाइन कौन करता है, हम करते हैं, मगर ठीक है, हम करते हैं, सी यूजर डिफाइन. तो जावा का मैन आने का एडवांटेज मतलब क्या है, यही रहा कि ठीक है इसमें ना हम कोडिंग बार बार नहीं करते, जैसे हमको बटन की कोडिंग है ना, बटन हमको पहले से अवेलेबल है, बस क्या है हम उनकी कुछ मेथड को यूज करते हैं और बटन को यूज कर लेते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स रहता है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स भी, ठीक है, तो इसकी कोडिंग क्या है कि हमको पहले से अवेलेबल रहती है लाइब्रेरी में, बस हम क्या है कि उसकी कुछ मेथड को यूज कर लेते हैं, इसलिए क्या है ये आसान है, ठीक है. जब आप आगे जब वेब प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, तो वेब प्रोग्रामिंग भी आपको क्या है कि ये टेक्स्ट बॉक्स जो यूज करेंगे आप, बटन वगैरह यूज करेंगे, ये भी आपको ऑलरेडी क्या है कि बने बनाए मिलेंगे, इनको हम यूज कर लेते हैं इनकी मेथड के मेथड से, ठीक है, हाँ, इसका एडवांटेज ये है, ठीक है. फिर हम आते हैं, ठीक है, ये यूजर डिफाइंड मेथड की बात यदि हम बात करें तो, ठीक है, ये तो क्या है कि ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, एडिट करते समय इसको अभी भूल जाए, ठीक है, यस सर, ठीक है. हम अभी बात करते हैं, जैसे हमने देखा स्टैटिक नॉन स्टैटिक, ठीक है, ओके, ठीक है, तो हम स्टैटिक मेथड देखें तो स्टैटिक मेथड भी दो टाइप की होती है, एक होता है वॉइड मेथड, एक होता है नॉन वॉइड, ठीक है. तो नॉन वॉइड मेथड वही होता है जो रिटर्न, जो अभी हमने देखा रिटर्न, और एक होता है नॉन रिटर्न, ठीक है, नॉन रिटर्न एंड रिटर्न, ठीक है. तो फिर इन दोनों के भी दो दो टाइप होते हैं सेम, एक होता है वॉइड मेथड विदाउट आर्ग्यूमेंट, एक होता है विद आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर भी देखो दो चीजें देखने को लगी, विदाउट आर्ग्यूमेंट विद आर्ग्यूमेंट, ठीक है. तो अब बता रहे हैं आपको विद और विदाउट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको कॉल किया था तो इसके अंदर मैंने कोई पैरामीटर पास किया था क्या? नो सर, नहीं पैरामीटर नहीं. तो ये होता है विदाउट आर्ग्यूमेंट. ओके, इसका वर्किंग पैरामीटर पास नहीं किया, मतलब वही int int भी, हाँ, int int भी पास नहीं किया, नहीं किया, int भी पास नहीं किया, हाँ जी सर, हाँ ठीक है. और जैसे आपका ये पैरामीटर है, हालांकि ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो ये होता है विद आर्ग्यूमेंट. ओके, और ठीक है, अब ये जो आप मैं आपको क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आपको हर लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, नॉट ओनली जावा, आपको सी में देखने को मिलेगा, पाइथन में देखने को मिलेगा, ठीक है. वर्डिंग चेंज हो सकती है मगर कैरेक्टरिस्टिक यही रहेंगे, ठीक है, यदि ये स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, ठीक है, ये वाला, एक ये वाइड नॉन वाइड वाला, और इसके अंदर भी क्या है फिर आपको विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद आर्ग्यूमेंट वाला, तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके सर, ये सी में चलता है, सी प्लस प्लस में भी चलता है, जावा में चलता है, पाइथन में चलता है. ओके सर, क्लियर है? यस सर, क्लियर, ठीक है, ठीक है. फिर अब बाकी कल डिस्कस करेंगे, देखो वही चीज हम कल डिस्कस करेंगे. फिर पहले हम मैंने एक प्रोग्राम बनाया विदाउट एनी फंक्शन, ठीक है, विदाउट एनी फंक्शन, अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है. फिर मैं क्या करूंगा, सेम प्रोग्राम को मैं क्या करूंगा, मेथड के साथ आपको बना के बताऊंगा. और जो मैंने आपको चारों टाइप बताए ना, यस सर, चारों मेथड, ठीक है, चारों मेथड के साथ आपको बना के बताऊंगा और उनको रन करके बताऊंगा, ठीक है, ठीक है.
ओके अभी क्लास को एंड करें? हाँ सर कर दीजिए फिर अभी, क्योंकि कोई और भी हो तो फिर ठीक ओके रहेगा। ओके थैंक यू सर। ओके वेलकम। थैंक यू।